नींबू छोटा सा होता है और उसके साइज के हिसाब से हम उसको अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं। नींबू का हम केवल और केवल यूज करते हैं चीजों में स्वाद बढ़ाने के लिए, और वो छोटा सा नींबू भाई साहब बॉम्ब है गुडनेस का। मॉर्निंग के टाइम में खाली पेट नींबू का सेवन करने से जो सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है वो भाई साहब लास्ट के लिए मैंने बचा के रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नींबू को आखिरकार लिया कैसे जाएगा। मॉर्निंग में खाली पेट जब आप उठते हैं तो आप एक गुनगुने पानी को एक ग्लास में भरेंगे, और पानी कितना गुनगुना होना चाहिए, सबसे बेस्ट है जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर है उतना ही आप पानी का टेम्परेचर लमसम रखें। उसमें एक क्वार्टर या एक आधा नींबू आप उसमें निचोड़ लें और उसको आप सिप करते हुए पी लें। इससे जुड़ी कुछ एक सावधानियां हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को नींबू पानी पीने के फायदे बताना शुरू करता हूं। अब भाई देखो, फायदा बताने से पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी होगी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे मैनमेड कई सारी चीजें हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इन आर्टिफिशियल चीजों का सेवन कर लेते हैं, बट जो हमारी बॉडी होती है ये प्राकृतिक चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए बनी होती है। तो जितनी भी आर्टिफिशियल चीजों का अर्क हमारे पेट में जाता है, हमारी बॉडी में जाता है, वो टॉक्सिन का काम करता है, वो जहर का काम करता है। धीरे धीरे टॉक्सिन जब बिल्डअप होते हैं तो आपकी बॉडी डिग्रेड होती है। हालांकि टॉक्सिन को लेके बॉडी कैसे डिटॉक्सिफाई की जाए ये एक वास्ट एलिमेंट है जिसका वीडियो डेडिकेटेड मैंने एक बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं इनको डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब देखो क्या होता है, लेमन अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो ये आपकी गट को कायदे से डिटॉक्सिफाई करता है। पेट का आपका पड़ोसी लिवर बहुत अच्छे तरीके से लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। अब देखो, अगर आपका पेट अच्छे से डिटॉक्सिफाई होगा तो आपका डाइजेशन बढ़िया होगा। अगर आपका लिवर अच्छे से डिटॉक्सिफाई होगा तो भाई साहब लिवर ना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए दुनिया भर के एंजाइम्स रिलीज करता है, उन एंजाइम्स का सीक्रेशन आपका अच्छा होगा, एंड अगेन वो आपके खाने को हेल्दी वे में डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आप कहोगे यार खाना ही तो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, वो तो हमारा वैसे भी डाइजेस्ट हो जाता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना उससे क्या होता है, वो एक चेन रिएक्शन का पार्ट है, वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊं। भाई देखो, सर्दियों का टाइम है, चढ़ती हुई सर्दी और उतरती हुई सर्दी हर किसी को जुकाम या फीवर दे के जाती है। हमारी नाक बहती है, हमको साइनस की प्रॉब्लम होती है, हमारे गले में खराश होती है। वे खाली पेट नींबू पानी का सेवन करने से इन सारे लक्षणों में हमको रिलीफ मिलता है। नींबू का सेवन करने मात्र से आपकी इम्यूनिटी भाई साहब स्ट्रांग होती है। जब कोविड का टाइम था तो हम लोगों को चढ़ा था ना कि भाई साहब हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, तो हम दुनिया भर की टैबलेट लेते थे। उन दुनिया भर की टैबलेट में विटामिन सी, लिमसी भी एक टैबलेट थी। तो विटामिन सी नींबू आपकी इम्यूनिटी पे डायरेक्ट असर डालता है, उसको मजबूत करता है। विटामिन सी लेने से आपके हेयर का टेक्सचर बढ़िया होता है, आपके स्किन का टेक्सचर बढ़िया होता है, आपकी स्किन शैगी नहीं होती, आपके बाल डल नहीं होते हैं। तो विटामिन सी आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत हेल्दी है। अब भाई देखो, जो लास्ट के लिए मैंने एक बड़ा फायदा नींबू पानी का बचा रखा था, अब हम उसको पकड़ते हैं। नींबू पानी पीने से आपके गट का, आपके पेट का एसिड बेसिक लेवल मेंटेन रहता है। आपने इसको सुना और आप कहोगे बोले ये बड़ा फायदा है, एसिड और बेसिक लेवल मेंटेन होता है। इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ। भाई देखो, जब हम खाना अपना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पेट एक खतरनाक एसिड को रिलीज करता है, और वो जो सीक्रेशन होता है बेहद कंट्रोल्ड वे में होता है। वो सीक्रेशन होता है केवल और केवल उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, बट उसके अलावा उस एसिड का पेट में लिटरली कोई काम नहीं है। तो जब पेट का माहौल एसिडिक होता है ना, तो वो एक अच्छा माहौल होता है किसके लिए, खराब बैक्टीरियास के लिए, वायरसेस के लिए। तो हमेशा पेट का एसिडिक माहौल रहना गलत है, आपके लिए अनहेल्दी है। अब आपके गट को हेल्दी वे में फंक्शन करने के लिए उसका मीडियम बेसिक होना चाहिए। बेसिक मीडियम अच्छा माहौल प्रोवाइड करता है अच्छे बैक्टीरियास की ग्रोथ के लिए। अब अगर ये लेवल अच्छे से मेंटेन हुआ तो ये चेन रिएक्शन को जन्म देता है, एक के बाद हमको फायदे इसके मिलते हैं। अगर ये लेवल अच्छा है तो इसका रिजल्ट होगा कि आपका खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा। खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा, उससे खाने में मौजूद एक एक न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिलेगा। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उससे आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है,
जो मेटाबॉलिक रेट है आपकी बॉडी का वो अच्छा होगा। अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो आप कभी फैट पुट ऑन नहीं करोगे या आप कभी ओबेसिटी की तरफ नहीं जाओगे। और अगर आप कभी मोटे नहीं होते हो तो मोटा ना होना, हेल्दी रहना भाई साहब हजारों बीमारियों से आपको बचा लेता। तो ये था एक बड़ा फायदा नींबू के सेवन करने का। अब भाई देखो वीडियो के लास्ट में, वीडियो एंड करने से पहले, अभी वीडियो बंद नहीं करना, अब सुबह खाली पेट अगर आप नींबू को लेते हैं तो आपको कुछ चीजों को लेके अलर्ट रहना होगा। इसमें पहली चीज है, वो बहुत कॉमन है, कि आपको अति किस चीज की नहीं करनी है, आपको एक्सेस में कोई भी चीज नहीं लेनी है। अगर आप नींबू को ले रहे हैं तो आप एक क्वार्टर से शुरू करें और एक ग्लास में हाफ नींबू, इतना आपके लिए बहुत है। ये मत सोचना कि बहुत फायदे हैं तो दुनिया भर का आप नींबू पानी पी लो, वो आपको नुकसान दे देगा। दूसरा, जो नींबू होता है ना उसमें एक एसिड मौजूद होता है, सिट्रिक एसिड। अब आप अगर नींबू पानी पी रहे हैं तो आप ऐसा ना करें उसको मजे मजे में मुंह में घुमाते हुए पिए, क्योंकि वो जो सिट्रिक एसिड है वो आपके दांतों की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको गलाना धीरे धीरे शुरू करता है। इसलिए आप कभी भी सुबह ऐसे पानी के साथ नींबू का सेवन करें तो सबसे सिंपल है, आप एक स्ट्रॉ ले लें, वरना आप अपनी टंकी ना एक टनल सी बना लें और पानी को उसी में से सिप करें, प्रयास करें वो आपके दांतों को टच ना करे। और लास्टली, अगर नींबू आपने निचोड़ दिया किसमें, गर्म पानी में, तो नींबू के जितने भी अच्छे अर्क हैं सारे भाई साहब घुल जाने हैं उस पानी में, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाने हैं। तो इसलिए पानी का टेम्परेचर आप उतना रखें जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें ऐडअप कर पाया आपकी लाइफ में। अगर ऐसा रहा तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ भी अच्छा बुरा लगा प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट।